दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे रियलिटी ऑफ प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर मैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही बताऊंगा, क्योंकि हर एक नौकरी के कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती है। शुरू में मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर शुरू के जो इनिशियल ईयर होते हैं, इनिशियल ईयर अप टू 7 ईयर, उसमें आपको खूब सारे टारगेट्स दिए जाते हैं कि आज ये आपको करके ही जाना है, चाहे रात के 1 बज जाए। ऐसा होता है और ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं, बंदे रात भर बैठे काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें रहता है डर बेरोजगारी का। कि क्योंकि आपको ये भी है पता है कि 1 महीने का आपको नोटिस पीरियड देके वो आपको जॉब से निकाल सकते हैं अगर उन्हें आपके जगह अच्छा एम्प्लॉय मिल गया। और आज के अंदर बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, लोग कम सैलरी के अंदर भी काम करने को तैयार है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो इनिशियल ईयर होते हैं शुरू के, लेट सपोज आप फ्रेशर ज्वाइन करते हो, आपको इनहैंड सैलरी मिलती है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज। कोई भी आप अच्छा बैंक उठा लीजिए, HDFC ले लीजिए, चाहे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लीजिए, कोई भी प्राइवेट ICS ले लीजिए, इनमें आपको इतना ही अप्रॉक्सीमेटली सैलरी मिलता है। यहीं पे अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, जैसे यूनियन बैंक हो गया, PNB हो गया, इसमें आपको मिलती है सैलरी 52,000 रुपीज प्लस बहुत सारे अलाउंसेस, न्यूज़पेपर हो गया, क्लीनिंग हो गया, आपका लीज अकोमोडेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, इतने सारे अलाउंसेस का मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। अब जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं उसमें वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते, और जो हमारे गवर्नमेंट बैंकिंग है उसके अंदर पहले वर्किंग आवर फिक्स होते थे, आजकल उनकी भी हालत प्राइवेट बैंक जैसी है, क्योंकि हर एक बैंक को रहता है डर प्राइवेटाइजेशन होने का। अब जो ऑलरेडी प्राइवेट है उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो बैंक गवर्नमेंट है, लेट सपोज यूनियन बैंक है, PNB है, आपको नहीं पता कि कब हमारी सरकार इन बैंक को प्राइवेट कर दें। अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा जो टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेट बैंक को टक्कर देनी पड़ेगी, तो उसके लिए वर्क प्रेशर रहता है। तो आज के टाइम में दोनों में ही बराबर वर्क प्रेशर है। बैंकिंग में बैंक आने का टाइम होता है और कब जाना है ये आपको नहीं पता होता, दोनों में ही यही हालत है आज के टाइम। रात के 8 तो आराम से बच जाते हैं ब्रांच मैनेजर को, क्लर्क के अंदर थोड़ा आराम रहता है क्योंकि क्लर्क का यूनियन बहुत स्ट्रांग होता है, तो उनका फिक्स वर्किंग आवर ही होता है लगभग। अब आता है जॉब लोकेशन का। प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसमें थोड़ा एडवांटेज मिलता है कि लेट सपोज मुझे हल्का बहुत नॉलेज है, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं मान लो मेरा स्टेट है राजस्थान, तो मुझे राजस्थान के अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर जॉब मिल जाएगी, और मैं यही कोशिश करूंगा कि मेरी जॉब राजस्थान के अंदर रहे, वहां पे ज़्यादा फ्रिक्वेंट ट्रांसफर नहीं होंगे, अगर होगा तो मैं दूसरा बैंक ज्वाइन कर लूंगा, क्योंकि मैं हमेशा राजस्थान में रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं दूसरी जगह हर जगह बार बार ट्रांसफर होकर नए मकान नहीं बनाना चाहता, ना ही मैं इधर उधर, मतलब आपको ही पता है बंदे का जब ट्रांसफर होता है कितनी ज़्यादा उसे कठिनाइयां देखनी पड़ती हैं। यहीं पे अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बैंक की, वहां पे आपका ट्रांसफर होगा और आपको जाना पड़ेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी तो है, आज के लिए जॉब सिक्योरिटी है, बट आपको मजबूरी में ट्रांसफर लेना पड़ेगा, आप दूसरा बैंक नहीं ज्वाइन कर सकते। प्राइवेट वाले को पता है कि मेरी नौकरी आज है, कल है या नहीं, इसलिए मैं आराम से बैंक छोड़ता हूँ, दूसरा बैंक में ज्वाइन कर लूंगा, अगर उसको नॉलेज होगी तो उसको आराम से दूसरा बैंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रमोशन की। प्राइवेट बैंक में आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रमोशन होगा। गवर्नमेंट बैंक सेक्टर में दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, आपका काम और आपका डिपार्टमेंट, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड होता है आपका प्रमोशन। प्राइवेट बैंक के अंदर सबसे बेकार बात यही है, वो है आपकी जॉब सिक्योरिटी। अगर कस्टमर ने आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी, आपने किसी भी कस्टमर से रूड बिहेव किया, आपने कुछ अलग हट के काम किया जो आप ऑफ द ट्रैक, जो आपको नहीं करना चाहिए था, आपने कुछ भी गलत काम किया, प्राइवेट सेक्टर में तुरंत आपकी जॉब निकाल दी जाएगी, और आप जिस बैंक में जॉब कर रहे हो वहां से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो देंगे, पर जब वहां से आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है उसमें वो इतना बेकार लिख देंगे, आप उस एक्सपीरियंस को यूज़ नहीं कर सकते। तो वो अगर आपने मान लो HDFC में 2 साल काम किया और आपने कुछ आपसी गलती से कुछ गलत हो गया, तो आपके वो 2 साल तो गए, भूल जाओ। यहीं पे अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूँ, वो एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन देते हैं, अगर आपसे कुछ गलती से कुछ मिसहैपनिंग हो गया तो वो ट्राई करते हैं कि एम्प्लॉय की जॉब बनी रहे, वो आपको
पनिशमेंट के अंदर हार्ड पोस्टिंग दे देंगे, आपका प्रमोशन रोक देंगे या आपका जो ईयरली अप्रेजल होता है उसको कम कर देंगे। बट वो कोशिश ये करते हैं कि आपकी जॉब बनी रहे जब तक आप कोई बहुत ज़्यादा फ्रॉड ना कर दो। तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर विन करता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि उसको पता है कि बंदा IBPS PO का एग्ज़ाम दे के आया है, SBI PO का दे के आया है, उसने 2-3 साल मेहनत की है फिर जाके उसको नौकरी मिली है। उसने इस नौकरी के लिए इतनी मेहनत इसलिए की है ताकि वो जॉब सिक्योरिटी देखे। आपको ही पता है हम लोग इंसान हैं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, पर किसी भी गलती की इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए कि उसे तुरंत जॉब से निकाल दिया जाए। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ही होता है, तुरंत आपसे जॉब निकाल दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये माना जाता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट, गवर्नमेंट सेक्टर में माना जाता है कस्टमर इज राइट, बट वहाँ पे एक स्टार लगा होता है क्योंकि वो अच्छे से देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या है। तो दोस्तों ये था दोनों का रियलिटी। अब आप मुझसे पूछे कि सर आपका क्या ओपिनियन है, आप किस बैंक को सजेस्ट करते हैं। अगर आपने किसी प्राइवेट सेक्टर में 7 साल निकाल दिए हैं तो अब आप गवर्नमेंट सेक्टर में भूल के भी मत आना, क्योंकि आपको आदत होगी वर्क प्रेशर झेलने की, बॉस की बेकार बेकार बातें सुनने की। अब आपका टाइम है एकदम स्काई रॉकेट की तरह प्रमोशन वमोशन लेके अपने इनहैंड सैलरी को 2 लाख रुपए तक करने का। अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गवर्नमेंट बैंक की तैयारी करें, अगर आपको बैंकिंग सेक्टर ही अच्छी लगती है तो, वरना मैं सजेस्ट करूंगा SSC CGL की तैयारी करें या अदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट की तैयारी करें। और इन दोनों के अंदर अगर इनिशियल आप अगर फ्रेशर हैं तो मैं बोलूंगा कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर तभी है जब आपका मान लो एज ओवर हो गया है, लेट सपोज आपकी एज जो है 30 साल 31 साल हो गई है, अब आपको पता है मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर ही ऑप्शन बचता है। तो इस सेक्टर को लोग मजबूरी में ज्वाइन करते हैं। अगर आपने MBA वगैरह किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया अच्छी जगह से, तो आप भूल के भी गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन मत करना। आपके जो नॉलेज है जो आपको बहुत अच्छी सैलरी दिला सकती है, क्योंकि हम लोग ज्वाइन करते हैं किसी भी जॉब को ज्वाइन करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, तो वहाँ पे आपके लिए प्राइवेट सेक्टर अच्छा है। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपके लिए प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है आपके पास नॉलेज है तो आप आराम से मार्केट में आपको जॉब मिल जाएगी। अगर मान लो कहीं जॉब अच्छी नहीं लगती तो आप जॉब स्विच भी कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट के अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको उसी बैंक के साथ में रहना पड़ेगा ज़िंदगी भर अनटिल एंड अनलेस आप कोई दूसरी जॉब क्रैक ना कर ले। तो दोस्तों ये था इस वीडियो के अंदर, अगर आपका कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। जय हिंद जय भारत।